गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः राधा करावसित पल्लभ बल्लरीके राधा पदांत विलस मधुरा स्थलीके राधांग जत मुखम अंगांग बलिके राधा विहार विपिने रमतांग मनोमे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर त्रिवासादि गौर भक्त वृंद सभा तो कर बोलो बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 और एक बार जोर करके बोलो बोला हरे परिक्रमा करते करते एखन जे स्थाने उपस्थित होइछि एहि स्थाने नाम होलो सांखिरी खोर हमरा जे बन के हमरा परिक्रमा करती एर नाम होलो गहर बन गहर बन माने की गहर अर्थ होलो कथी एखने श्री भक्ति विनोद ठाकुर बोलते राधिका भाव गंभीर कबीर जी बोले राधा रानी के भाव का होलो गंभीर राधा रानी भाव का वाला गंभीर बोले की रकम गंभीर एक जने हमारे के श्री प्रबोधानंद सरस्वती बोलते बोले ब्रह्मेश्वर आदि सुदुरु अपदार विंदम बोले जे राधा रानी चरण कमल ब्रह्मार जन्य और दुर्लभ हाँ ब्रह्मे माने ब्रह्मा एक जने कोई चीज देखो ना जो पर्वत भी आते ना और पर्वत भी हलो ब्रह्माचल पर्वत ब्रह्मा तिनी स्वयं एखाने एक पर्वत रूपे तिनी प्रकट होए छे বলে ব্রহ্মা এখানে পর্বত রূপে কেন প্রকট হয়েছেন কারণ কি বলে কারণ হলো যখন ব্রহ্মা কৃষ্ণের বাসুর আর সখা ধরে তিনি স্তুতি করে প্রথমে তো মনে করছিলেন কোন সাধারণ বালক হবে কিন্তু যখন তিনি দেখে তিনি সাধারণ ব্যক্তি নন তিনি দেখলেন ইয়ে কে বলে তিনি ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচিদানন্দ বিগ্রহ অনাদি আদি গোবিন্দ সর্ব কারণ কারণ তিনি সমস্ত কারণ তিনি कारण एक ने ब्रह्मा तिनी कृष्ण के प्रसन्न कराने के लिए अनेक चेष्टा कर ले एक ने तिनी बोलते अहो भाग्यम नंद गोप ब्रज उपसाम जन्मित्र परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन कृष्ण तिनी साधारण नन तिनी पूर्ण ब्रह्म तिनी सनातन तिनी दिन जब हम घुसते पारले तोहने तिनी चिंता करते ना मेरे कने की करी की करे अपराध है कि हमारा मुक्त है तखन ब्रह्मा तिनी लास्ट तिनी प्रार्थना करते बोले तद भूरी भाग्यमिह जन्मम किम अटव्याम गोकुल अपि कथा मांगरी रजो विशेष ब्रह्मा तिनी बोलते अमार की ऐ सौभाग्य हवे बोले की सौभाग्य हवे कृष्ण बोलते बोलो की चाहिए अमार की तुम कोन सखा सखी होते जाओ बोले ना ना अभी तो सौभाग्य करके सखा सखी होते बार को बोले नतुआ खाने कोन पशु को की होते जन्म ना बोले ना ना बोले खाने कोन कीड़ा मकोड़ा होए बोले चाच बोला बोले ना ना बोले तबे की बोले यदि अभी ब्रज बाहर यदि छोटे जाति जात थाके तांदरे घरे घरे यदि अभी पाथर जन्म होए कि जन्म लेते पारी तरह यदि हमारे पाथर मन करे यदि पाठ अगर रगड़ा है ना यदि तादर चरण धूल के यदि हम खेते बारी तब हमारे जीवन का हमें धन्य धन्य मन करो एक ने बोलते ने ब्रह्मा तुम ही हले जगत तुम ही हले तेनी ब्रह्मा के जगत के तुम सृष्टि करे तुम ही इतने बड़े होए वही छोटे जाति करे तुम ही एक ने चरण धूल पति जाते के ना तीन बोलते जत मुकुंदम जीवनम बोले इधर जीवन का की বলে কৃষ্ণের যখন হাসে না ওই হাসি হলো কুন্দ পুষ্পের মত বলে কৃষ্ণের হাসি কি হলো তাদের জীবন আমি কি ওদের মতো সৌভাগ্য পেতে পারবো ওদের মতো সৌভাগ্য পাওয়া মানে ব্রজে বাইরে যে ছোট জাতিরা লোক থাকে ব্রহ্মা বলছেন তাদের মতো সৌভাগ্য আমার হতে পারবে না যদি আমি পাথর রূপে জন্ম নিতে পারি তবে জীবনে ধন্য হবে এই জন্য ব্রহ্মা তিনি এখানে দেখুন এই ব্রহ্মাচল পর্বত রূপে তিনি এখানে জন্ম গ্রহণ করছেন স্বয়ং ব্রহ্মা
એટલે શ્રીમદ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ચારિટી હોલો સંપ્રદાય મહારાજ સુખિકાર બોલતે ચારિટી હોલો વૈષ્ણવ સંપ્રદાય તિની એઈ બ્રહ્મ માધવ ગૌરીય સંપ્રદાય કે તિની કેના સ્વીકાર કરલે આઠ તિનટી સંપ્રદાય ছিল ગુરુદેવ એઈને બોલલે એઈને એઈ બ્રહ્માર મધ્ય તિની કોથાય જન્મ ગ્રહણ કરશે વર્ષનાથ કોથાય જન્મ લીએ છે વર્ષનાથ વર્ષના માને કી જેખાને ગોપીદેર પ્રેમ રૂપી દૃષ્ટિ જેખાનો હોય જે પ્રેમ રૂપી દૃષ્ટિ તે કૃષ્ણ સ્વયં પરાંતર તત્વ હયો તાદર તૈ પ્રેમ રૂપી સમુદ્ર જીને નિવજિત હો જાતે એજને એ નામ હલો કરતા ના એજને નારદજીની બ્રહ્મા કે પ્રશ્ન કરે બોલે બાબા તુમી એ પ્રજતે પાથર રૂપે સાત હાજર વર્ષ કેને જન્મ ગ્રહણ કરી તુમ કેને તપસ્યા કરી લે નારદ પ્રશ્ન કરતે তখন ব্রহ্মা বলছেন ছেলে এই যে ব্রজ গোপীরা না তারা কোনো মেয়ে ছেলে নয় বলে তারা কে বলে তারা হলো আনন্দ চিন্ময় রস প্রতিভাবিতা তারা হলো রাধারানী তায় প্রিয় স্বরূপিণী অতএব এখানে পাথর জন্ম নেওয়া কোনো সাধারণ ভাগ্য নয় এই জন্য এনার হৃদয় মধ্যে সেই ব্রজ রসের ভাব আছে এই জন্য শ্রীমন মহাপ্রভু তিনি ব্রহ্মার এক দিন তিনি একবার তিনি এসে সেই দুর্লভ প্রেম কে যে অনর্চিত চরিত্রাত প্রেম কে যে প্রেম কে দিতে চাইছে সেই ব্রহ্মার হৃদয় মধ্যে সেই ভাব দিয়াছে এই যে শ্রীমন মহাপ্রভু তিনি এই কি করলে শ্রী ব্রহ্ম মাধব গৌড়ীয় সম্প্রদায় কে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করে এই যে এখানে বলছে ব্রহ্মে স্বরাদি সুদুরুহ পদার বিন্দ যে রাধা রানীর চরণে হলো ব্রহ্মার জনে দুর্লভ শিবের জনে দুর্লভ আদি মানে উদ্ধবাদি নারদাদি এদের জন্য ও সেই রাধা রানীর চরণ দুর্লভ এবার জন্য বলছে ব্রহ্মে স্বরাদি স্বরাদি মানে যে আদি ঈশ্বর যে কৃষ্ণ যখন রাধা রানী তিনি মান করে ওই মানকে ভঙ্গ করার জন্য হ্যাঁ কৃষ্ণ স্বয়ং তিনি সেই রাধা রানীর সঙ্গে যখন মিলিত হওয়ার হওয়ার জন্য চেষ্টা করে তখন ও কৃষ্ণের জন্য ও রাধা রানীর চরণ দুর্লভ এই জন্য এই বনের নাম হলো গৌহর বন আমরা যখন ক্রস করলাম না ওই বনের ওই জায়গার নাম ছিল রঙ্গিলি গলি মানে কি যেখানে কৃষ্ণ গোপীদের সঙ্গে যেখানে রং খেলতেন হোলি খেলতেন বলছে না আজ বিরজ মে হোলি রে রসিয়া হোলি রে রসিয়া বর জোরি রে রসিয়া আজ বিরজ মে হোলি রে আতে যেখানে রাধা রানী তিনি গুলাল রং তিনি কি করতেন কৃষ্ণ কে সম্পূর্ণ তার মধ্যে ডুবে দিতেন কৃষ্ণ তিনি কি করতেন সেই গুলাল রঙের মধ্যে তিনি রাধা রানী কে তিনি ডুবিয়ে দিতেন মানে কি গুলাল রং কি বলে গুলাল রং না এটা হলো অনুরাগ প্রতীক অনুরাগ প্রতীক এখানে ওর নাম হলো রঙ্গিলি গলি এখানে যে পর্বত উপরে আমরা বসি আছি এটা হলো বিষ্ণু পর্বত আর ওইটা হলো রাধা পর্বত ওইটা হলো ব্রহ্মাচল পর্বত এটা হলো প্রশ্ন বিষ্ণু পর্বত বিষ্ণু পর্বত আর তিনি বিষ্ণু তিনি কদিয়ে বিষ্ণু কিয়ে পর্বত কা রূপ ধারণ কিয়া হে কদিয়ে সনত সংহিতা মে ইয়ে বর্ণন আতা হে এক সময় মহাবিষ্ণু কো পাশ মে শ্রী অনন্ত দেব গয়ে বলে প্রভু হম বৃন্দাবন মে প্রবেশ করনা চাহতে বৃন্দাবন মে প্রাপ্ত করনা চাহতে হে স্বয়ং মহাবিষ্ণু কহতে হে বলে বৃন্দাবন বৃন্দাবন ধাম কোন সাধারণ ধাম নয় যাহা পর স্বয়ং লক্ষ্মী তপস্যা কর রহি হে যাহা পর স্বয়ং ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे हैं जो स्वयं शंकर जी कभी यहाँ पर उद्धव जी भी तपस्या कर रहे हैं ये ब्रज में प्रवेश करने के लिए इतना आसान बात नहीं बोले फिर स्वयं विष्णु कहते हैं मैं स्वयं महाविष्णु होकर के भी वो ब्रज में प्रवेश नहीं कर पा रहा हूँ तुम्हारी क्या बात है हाँ तुम्हारी क्या बात है बोले भैया फिर प्रवेश कैसे होगा बोले एक आसनिक उपाय है बोले वो उपाय क्या है बोले जब तक गोपियों की अनुगत्य नहीं करोगे ना बोले तब तक ये ब्रज में प्रवेश नहीं होगा लेकिन ये गोपियों का अनुगत्य भी साधारण बात नहीं बोले फिर बोले सबसे एक सरल उपाय वही ब्रज प्रेम को देने के लिए अभी श्री सच्चिदानंद गौर हरिश्री नवद्वीप में जन्म ग्रहण करके आज चंडाले को गोपी प्रेम को प्रदान कर रहे अगर पाना चाहे तो क्या करो तुम जा करके श्री नवद्वीप धाम में जाओ
और जा करके वहीं पर परिक्रमा करो गुरु वैष्णव के अनुगत में और वहाँ का धूल गोबर लौट पट खाओ पाओगे ना आसानी से ही वो गोपी प्रेम प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जो लोग 90 दिन नहीं गए अभी से ही 90 दिन जाने के लिए टिकट काटा दो। 90 दिन क्योंकि 90 दिन जब तक नहीं जाओगे ये स्वयं महाविष्णु कहते हैं ये गोपी प्रेम इतने आसानी से पाने वाले नहीं। ब्रह्मा शंकर के लिए भी दुर्लभ लेकिन सबसे सरल उपाय सही 90 दिन में जो जा करके परिक्रमा करेगा अपने आप को प्रेम की प्राप्ति होगी। एक गल्प देखी है एक नाम होगा साकिरी खोर। साकिरी खोर माने साकिर अर्थ होता है पापला खोर अर्थ होता रास्ता। एक रास्ता की देखो जब हम जाते हैं ना देखो एक व्यक्ति छोड़ा दूसरा व्यक्ति और मत देखो पाते हैं एक अर्थ की एक अर्थ होता है प्रेम गली अली साकिरी ताहे ना दोए समाज। माने कि यदि कहीं कृष्ण प्रेम के बैठे जाओ एक मन्यतार उपासना करता है एक मन्यता के भजन करता है तब तुम्हें सही प्रेम जाके बैठ पा रहे एक ने एक ने कृष्ण सखा दे सकते एक ने गोचार न करते आस्ते एक दिन सखा दे सीते लेके से बोले गोपाल एक तो खावा दार व्यवस्था कर बोले आसो हमारे संग कृष्ण एक ने ऐसे जैसे एक गोपी दूध दही है दूध दही लिए क्या चीज हो कृष्ण एक हम की कर तो एर ऊपर उठे ना एक दिन पाथर लिए जो पाथर का लिए मेरे से वही पात्र में बनते हाँ हरी पात्र में बनते और भेंगे के गोपी तो दूध दही से स्नान करती थी और वो ये राधा रानी के बोले थे राधा रानी बोलते देखो काल की हमारा तो तेरे मजा देखा हुआ लेकिन एकदम ये खाने से चाल के धीरे धीरे से अब जब हम कृष्ण ऐसे ना वही चीज मेरे से जब मेरे से चार दिन गोपिया धीरे धीरे से धीरे धीरे कृष्ण के सारे और ऊपर वही हाथी कलती रहते ओके लंबा सुंदर पड़ी एक करके एक गोपी एक पहाड़ ऊपर उठे पाथर की हम मेरे से अत्यंत दुर्लभ स्थान हमारा गुरु वैष्णव कृपा এখানে প্রণাম করব আর সেই ব্রজ ভক্তি একদিন যাতে সেই রাধা রানীর আনুগত্যে গুরু বৈষ্ণবের আনুগত্যে শ্যাম সুন্দর সৌভাগ্যকারী একটা প্রার্থনা করব নিতাই গৌর প্রেমানন্দে।